हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सॉल्व। हमें सॉल्व करना है फ्रैक्शन को 2/3 + 1/7। हमारे ये फ्रैक्शन में देखो, जो हमारे वाला ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये हमारा क्या है? न्यूमरेटर है। नीचे वाले पार्ट्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब देखो, 1/7 यहाँ 2/3 + 1/7 को हमें क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन फ्रैक्शन तब तक ऐड नहीं होता जब तक हमारा डिनोमिनेटर, नीचे वाला पार्ट क्या ना हो, सेम ना हो। भाई यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ हमारा 3 है और यहाँ कितना है? 7 है। सबसे पहले हम इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें 3 और 7 का क्या लेना? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर हम 3 और 7 की टेबल बोलेंगे, सबसे पहले जो दोनों की टेबल में कॉमन नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होता है। अब देखो, अगर मुझे 3 और 7 का एलसीएम लेना तो 3 और 7 के प्राइम फैक्टर करने, मैं इनके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, ये 7 में जाएगा नहीं, और 7 से। अब देखो, 3 × 7 = कितना होता है? 21। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 = 21। अब दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 21। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर 3 की टेबल बोलोगे आप और 7 की टेबल बोलोगे, तो दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा सबसे पहले नंबर, वो 21 होगा। अब भाई पहला फ्रैक्शन देखो, 2/3 है, डिनोमिनेटर में क्या हमारा 3 है, 3 की टेबल 21 तक बोलो, 3 × 7 = 21, 7 टाइम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कितना है? 2, उसको कर दो। ओके, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ 7 की टेबल 21 तक, 3 टाइम जा रही, 7 × 3 = 21, 7 की टेबल आपको 21 तक बोलनी, 3 टाइम इंटू 1 कर दो। अब देखो, 7 × 2 = कितना हो जाएगा भाई? 14 प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन में कितना है? 21। अब इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 17/21। अब इसको आप प्लस कर सकते, 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17/21 हमारा क्या आ गया? एडिशन आ गया। ऐसे देखो भाई, 3/10 प्लस 7/15, यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले सेम करेंगे। सेम करने के लिए एलसीएम 10 और 15 का, भाई 2 की टेबल में आ रहा 10, 2 × 5 = 10, 3 की टेबल और 2 की टेबल में 15 आता नहीं, तो ऐसे लिख देंगे। अब देखो, 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं, लेकिन 15 आता। ओके, 3 × 5 = 15, आप 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, एलसीएम हमारा आ गया 30। अब देखो भाई, फ्रैक्शन क्या? 3/10, 10 की टेबल 30 तक बोलो, 3 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला 3 कर दो, प्लस का साइन है, प्लस कर दो। 15 की टेबल 30 तक बोलो, 15 × 2 = 30 मल्टीप्लाई 7। भाई डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, मतलब डिनोमिनेटर की टेबल बोलनी एलसीएम तक, जितने टाइम जाएगी 3 टाइम जा रही, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर कर देना। ओके, अब देखो, 3 × 3 = कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा, प्लस 7 × 2 = 14 / 30, ऐड कर दो, 9 और 4 कितना होता? 13, 1 कैरी आ जाएगी, 23/30 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, ऐसे देखो, नेक्स्ट 4/9 है प्लस 2/7 है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना, क्या लेना? एलसीएम लेना भाई, 9 किसका? 7 का। देखो, 3 × 3 = 9, ये 7 ऐसे रहेगा, 3 × 1 = 3, 7 ऐसे रहेगा, और 7 × 1 = 7, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, एलसीएम आ गया 63। 9 की टेबल 63 बोलो, 9 × 7 जा, अगर आप 9 से इसको डिवाइड करो तो 7 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई 4 करना है भाई, प्लस है तो प्लस, 7 की टेबल 63 तक, 7 से अगर डिवाइड करो 63, 9 टाइम जाएगा, इंटू न्यूमिनेटर में 2 है, 7 × 4 = कितना होता है? 28। ओके, प्लस 9 × 2 = 18 अपॉन में 63, अब ऐड कर दो, 8 × 8 कितना होता है? 16 कैरी 1, 2 over 1 कितना होता है? 3, 1 कैरी 3, 4/63। ओके, ऐसे भाई यहाँ करोगे 3 और 7 का, भाई ये तो 21 आता, आपने ऊपर करके देखा था, 7 की टेबल 21 तक, 3 टाइम इंटू 5, प्लस 3 की टेबल 21 तक कितने टाइम? 7 टाइम जाएगी, इंटू 1। अब देखो, 3 × 5 = कितना हो जाएगा? 15, प्लस 7 × 1 = 7 अपॉन 21, ऐड कर दो, 5 और 7 कितना होता है? 12, 1 कैरी यहाँ जाएगी, 22/21 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शन को। ओके,